कोरोना महामारी के बीच गरीब परिवार के लोगों को राशन के लिए आ रही दिक्कतों को समाप्त करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राशन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन में लोगों को खाद्यान्न सामग्री जुटाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। यही कारण है कि आज भी कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास दो वक्त का खाना खाने के लिए भोजन की कमी है। जिसको देखते हुए काशीपुर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल द्वारा ग्राम बानपुर में राशन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश सहित अन्य नेताओं ने गरीबों को राशन वितरण किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि यदि लॉकडाउन के समय कांग्रेस एनजीओ और सामाजिक संगठन के लोग राशन वितरण कार्यक्रम में आगे ना आते तो सरकार कभी भी गरीबों तक राशन नहीं पहुँचा पाती। देखिए, कोरोना की इस महामारी में गरीब आदमी तक पहुँचने का प्रयास कांग्रेस के हमारे एक एक साथी ने किया है। मैं कांग्रेस के तमाम साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि संकट की इस घड़ी में कांग्रेस के लोगों ने ये कोशिश की, ये प्रयास किया कि गरीब व्यक्ति तक हम अपनी पहुंच बनाने का काम करें। और आज कोरोना की इस लड़ाई में मैं कह सकता हूं कि अगर राजनीतिक दल, स्वयंसेवी संस्थाएं, सामाजिक संगठन सक्रिय नहीं होते तो सरकार जो है गरीब आदमी तक पहुँच नहीं बना पाती। आज यहाँ पर जो है काशीपुर में हमारे तमाम साथियों ने, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिनके आवास पर ये खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम किया गया है, आपके सामने है। मैं समझता हूँ कि 60 से 70 तक के जो लोग थे आए, उनको जो है खाद्यान्न वितरण किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, ये जनहित से जुड़ा होता है।